नमस्कार, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। अभी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो सिवान नगर थाना क्षेत्र के रामराज मोड़ से आ रही है, जहाँ पे कॉमर्स कोचिंग सेंटर पर गोली चलाई गई है। जी हाँ, कॉमर्स कोचिंग सेंटर जो रामराज मोड़ के समीप चलता है, वहाँ पे अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। फिलहाल इस घटना के बाद अफरा तफरी मची हुई है, वहीं पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। क्या है पूरा मामला आप भी देखिए और जानिए। सिवान के रामराज मोड़ स्थित कॉमर्स कोचिंग सेंटर में अज्ञात अपराधियों ने की है फायरिंग। फायरिंग के बाद पुलिस पहुंची, अफरा तफरी का माहौल। आपको बता दें, खबर सिवान के रामराज मोड़ की है, जहाँ कॉमर्स कोचिंग सेंटर में अज्ञात लोगों ने गोली चलाई है। आपको बता दें कि कॉमर्स कोचिंग सेंटर में आपसी विवाद को लेकर पहले झगड़ा हुआ और फिर वहां स्थित पुल पर से कोचिंग सेंटर के प्रांगण में गोली चलाई गई है। फिलहाल इस घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई है। वहीं घटना के बाद वहां जांच करने पहुंचे हैं नगर थाना के प्रभारी, सिवान के एसडीपीओ समेत तमाम पुलिस बल वहां उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है। इन सब के बावजूद भी बेखौफ हैं अपराधी और खुलेआम दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं है। जी, मामला ये है कि मैं सोनू कुमार जो कॉमर्स अकेडमी पे अपना क्लास चलाता हूँ, तो एक लड़की है जो काफ़ी मेरे यहाँ से काफ़ी दिन से पढ़ रही थी और उसका मोबाइल चोरी होने के कारण वो कुछ दिन तक क्लास नहीं आई। क्लास नहीं आने के कारण वो कल, मतलब कि कल 4 तारीख को क्लास आई थी, तो कह रही थी सर हम क्लास नहीं करेंगे, हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। उसके साथ कुछ लड़के भी आए थे, जो 20-22 लड़के थे, वो लोग आए और बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ कि सर इसका पैसा दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम बोले कि बाबू पैसा रिटर्न करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो वो लोग चला गया। जाने के बाद से फिर वो लोग, आज वो लड़की आई थी पढ़ने के लिए, क्लास चल रहा था ठीक ठाक, तो फिर वो लड़की क्या की कि वो लड़का लोग को बुलाई। हम बोले कि भाई पैसा अपना लेना है तो ले लो, बुला लो जिसको लड़का को बुलाई थी तुम, फिर लड़का को बुला लो। वो लड़का लोग आया था, लोग काफ़ी 7-8 लड़के थे, लोग बाहर कुछ हाथा भाई हुआ, हम क्लास में थे, ठीक है, क्लास में थे। वो लड़की जो है वही बुलाई थी लड़का लोग को, फिर वो लड़का लोग आया, लोग फिर चला गया, लोग कुछ हाथा भाई हुआ, कुछ गाली गलौज हुआ, फिर लड़का लोग चला गया। जाने के बाद कुछ देर के बाद और हम भी क्लास अपना ऑफ करके चले गए नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद पता चला हमको कोई कॉल किया है ऐसा कि कोचिंग पे पुल पे ब्रिज के सामने से कोचिंग पे कोई फायरिंग किया है, तो उसी के सिलसिले में ये जो है काम हो रहा है अभी। कौन लड़के थे, क्या कुछ उनकी पहचान, लड़के का नाम वो हमको पता नहीं कि कौन लड़के थे, कोई लड़के का हमको जानकारी नहीं है। वो लड़के भी आपकी कोचिंग में पढ़ते हैं? लड़की हमारी कोचिंग में पढ़ती है, लड़की का जानकारी है, उसका एड्रेस है, नंबर है, अभी बात हुई भी है उससे, ठीक है। और हमको पूरी उम्मीद है कि ये सारा काम जो है उस लड़की के वजह से हुआ है, सारी की सारी जिम्मेदारी वो लड़की की। ठीक है, अपना परिचय दे दें। मैं सोनू कुमार। प्रशासन के लोग आए थे? हाँ, प्रशासन के लोग आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अपना परिचय। मैं सोनू कुमार, रामराज मोड़ पे ही मेरा घर है। क्या हुआ, कोचिंग का नाम क्या है? क्या कॉमर्स अकेडमी, मेरा कोचिंग का नाम है, मेरा संस्था का नाम है कॉमर्स अकेडमी। और मैं कोचिंग क्या है, मैं कोचिंग का मतलब टीचर हूँ, डायरेक्टर हूँ, सब कुछ मैं ही अकेले ही अपना रन करता हूँ अपनी कोचिंग को। ठीक, क्या